राइट right, तो हम जिस कॉन्सेप्ट की इसमें बात करेंगे स्लाइड के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ऑलरेडी हम एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं एबजॉर्प्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो समझ चुके हैं बाइलेबिलिटी और बाईक्विलेंस का कॉन्सेप्ट हम क्रिएट कर चुके हैं राइट right? तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कई बार आप जब जनरल अनास्थिटिक्स पढ़ेंगे देखिए मैं आपको कोई भी चीज़ें जो बाद में भी रिलेट करेंगी मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि कई बार हम अगर एक टूज सिलेबस की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाना बहुत ही पॉसिबल बहुत ही चांसेस नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं आपका फार्माकोलॉजी को अगर इंटरेस्टेड बनाना है तो आपको छोटे छोटे कंसेप्ट को साथ में लेके चलना होगा और यही वजह है कि चूंकि इससे रिलेटेड था रीडिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए मैंने इसके कॉन्सेप्ट को यहां पे दिया है अब बेसिकली हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की राइट तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देखिए जब एक बार एब्जॉर्ब हो गया मीन्स कौन सी मैकेनिज्म हो गई साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग सर्कुलेशन में आ गई अब जो कि ब्लड सर्कुलेशन में आ गई इट मीन्स ब्लड में आ गई अब जब उस सर्कुलेशन से ब्लड को निकल के मीन्स जो ब्लड वेसल्स की वॉल है जो कैपलरीज की वॉल है उससे लीक आउट होके जो बाहर ड्रग टिश्यू फ्लूड में जाएगी मीन्स अगर हम ये कहें कि वो ड्रग वैस्कुलर कंपार्टमेंट से निकल के जितनी ज्यादा टिश्यू फ्लूड की तरफ जाएगी हम उसको बोलेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा तो बट ऑब्वियस बात है कि कोई ड्रग ब्लड स्ट्रीम से टिश्यूज की तरफ जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसके अंदर क्या करेक्ट्रिस्टिक ऐसी होनी चाहिए कि ड्रग उस वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ना रहे और बाहर चली जाए तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा फार्माकोलॉजी के अंदर अभी आपके बेसिक्स यहाँ से बन रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स एक जो फैक्ट है वो ये है कि जितनी ड्रग लिपिड सोलबल होगी मींस जो भी ड्रग लाइपोफिलिक होगी उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि वो वैस्कुलर जो मेम्ब्रेन है वेस्कुलर जो वॉल है उसको क्रॉस करे या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हाईली लाइपोफिलिक ड्रग डीपली पेनिट्रेटेड होगी टूवर्ड्स द टिश्यू फ्लूड में मींस, अब डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं कॉन्सेप्ट को इतना सुन लेने के बाद आपको आसानी होगा इसको समझने में वंस अ ड्रग हैज गेंड एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम मीन्स एक बार जब ड्रग दवा आपकी कहां पहुंच जाती है ब्लड स्ट्रीम में इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यूज दैट इनिशियली हैड नो ड्रग अब ये उस टिश्यूज में लीक आउट होके अपने नेचर की वजह से जाएगी जहां पे इसकी पहले ड्रग की कंसंट्रेशन क्या थी जीरो थी मींस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्लाज्मा टू टिश्यू क्योंकि प्लाज्मा से ड्रग जा रही है टूअर टिशू फ्लूड में तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में होगा टू फ्रॉम द प्लाज्मा टू टिश्यू फ्लूड राइट आप इसको टिश्यू फ्लूड भी लिख सकते हैं यहां पे अब देखिए जब इतना हमने कॉन्सेप्ट इस चीज को डिफाइन कर लिया बेसिकली अच्छे से तो डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को कई बार लेके चलते हैं कि सर वो ड्रग वेस्कुलर कंपार्टमेंट में जितनी ज्यादा होगी नहीं रॉन्ग टोटली रॉन्ग हम बात करते हैं कि वैस, वैस्कुलर कंपार्टमेंट मीन्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने तक को तो हमने एबजॉर्पन दे दिया एबजॉर्पन कह दिया लेकिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन से अब जब डीपली पेनिट्रेट करेगी टूवर्ड्स द टिश्यू फ्लूइड वो चीज है डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जितनी ड्रग जितनी ज्यादा वैस्कुलर कंपार्टमेंट में बनी रहेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना कम होगा और जितनी ड्रग जितनी ज्यादा टिश्यू फ्लूइड की तरफ जाएगी इट मीन्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा तो द एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स लिपिड इट्सिटी ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं आयनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच देखिए इस पॉइंट को आप अभी समझ लें क्योंकि तो पूरे फार्माकोलॉजी में जब तक आप इसको सेवेंथ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर तक जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक ये आपका कॉन्सेप्ट कोई ड्रग किसी किस एनवायरमेंट में एब्सॉर्ब होती है तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि ड्रग हमेशा अन आयोनाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी अब अगर मैं बोलता हूं कि कोई एसिड ड्रग अगर मैं एसिडिक मीडियम में ही रखूं तो नो डाउट है कि एसिड को अगर मैं बेसिक से मिलाऊंगा तब तो वो आयनाइज हो जाएगा लेकिन अगर एसिड एसिड में है तो वो आयनाइज नहीं होगा इट मींस अन आयनाइज ही रहेगा तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि वीक जो एसिड होंगे देखिए हमारी स्ट्रग या तो वीक एसिड है या तो वीक बेस है ज्यादातर ड्रग हमारी वीकली एसिडिक है है ये एक बार में पूछा गया है। तो वीक एसिड विल बी इन द एसिडिक एनवायरमेंट वाइल वीक बेस प्राइमरली एब्सॉर्ब इन द बेसिक एनवायरमेंट क्यों क्योंकि वो वहां पे आयनाइज नहीं होंगी और हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं कि कोई ड्रग आयना अनआयनाइज फॉर्म में ही एब्जॉर्ब ट uh, है एस डी ड्रग के लिए एस डीमेंट और बेसिक के लिए बेसिक तो हो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन देखिए सीधी सी बात है कि कुछ ड्रग का नेचर्स होता है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है एल्बोमिन ग्लोबलिन अल्फामो प्रोटीन उसको भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे तो बेसिकली जो हमारी uh, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वहां पे वो ड्रग अपने नेचर की वजह से जाके बाइंड हो जाती है राइट तो जब एसिडिक ड्रग है तो बेसिक प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी तो जब वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन हमारी वेस्कुलर कंपार्टमेंट में होता है मीन्स सर्कुलेशन uh, uh, के में रिटेन करेगी वो ड्रग क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन हमारी प्लाज्मा में होगी और uh, तो अब किसी ड्रग की सपोज करिए कि प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब इसकी बाइंडिंग एफेनिटी ज्यादा है इट मीन्स वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट के प्लाज्मा में ही ड्रग रह जाएगी इट मीन्स वो कहा नहीं जाएगी आपके नहीं जाएगी टिश्यू फ्लूड में इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा है तो उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होगा क्योंकि वो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन में जो प्लाज्मा में प्रोटीन है वहीं बाउंड होकर वहीं रह जाएगी राइट तो उसका हम चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं टिश्यू फ्लू में ड्रग कितनी जा रही है राइट तो इसलिए हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन प्रोटीन बाइंडिंग बाइंडिंग जितनी ज्यादा होगी आपका डिस्ट्रीब्यूशन उतना कम होगा और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी कम होगी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा ये पॉइंट हमारा बहुत ही सिंपल है प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर देखिए अगर ट्रांसपोर्टर ही अवेलेबल है तो नो no डाउट है कि ड्रग को वो लेके टिश्यू की तरफ टिश्यू फ्लोड की तरफ ले जाएंगे तो अगर प्रेजेंस है तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो अगर ज्यादा है तो नो no डाउट है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा राइट तो ये ऑलरेडी हम एब्जॉर्बन में भी इसको रिलेट कर चुके हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ ड्रग प्रोसीड एन is इज between बिटवीन द अनबाउंड ड्रग इन plasma एंड द tissue fluid means mm -hmm. कोई ड्रग वेस्कुलर कंपार्टमेंट से टिश्यू फ्लूड की तरफ तब तक जाएगी जब तक कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो अनबाउंड ड्रग का कंसंट्रेशन है और टिश्यू फ्लूड में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए और इसके बाद क्या होगा सब्सिक्वेंटली देर इज ए पैरलर डिक्लाइन इन बोड ड्यू टू एलिमिनेशन एलिमिनेशन ड्रग का elimination भी चलता रहेगा तो वो आपका कंसेंट्रेशन उसकी फॉल होने लगी लेकिन अगर बात ये कहते हैं कि कोई ड्रग टिश्यू फ्लू तक कब जाएगी तो कोई ड्रग टिश्यू फ्रूट तक तब तक जाएगी जब तक कि उसका फ्री प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जितना है वो उसके इक्विवेलेंट ना हो जाए दोनों में इक्विलिब्रियम ना हो जाए कई बार आपके एग्जामिनेशन में दो नंबर के क्वेश्चन में आता है कि डिफाइंड एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या कई बार इसको बोल देता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो आप वी डी बोलते हैं बेसिकली इसको तो आप इसके कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं देखिए हम चूंकि हम ये एज्यूम करते हैं दैट द बॉडी बिहेव एज ए सिंगल होमोजीनियस कंपार्टमेंट हमारी जो बॉडी है वो सिंगल होमोजीनियस कंपार्टमेंट है यहां केवल एक कंपार्टमेंट है मल्टीपल कंपार्टमेंट नहीं है और सपोज करिए कि उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में हम बात कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो वी है राइट right? तो जो वॉल्यूम वी है वही एक्चुअली अपने अंदर क्या करेगा ड्रग को डिजोल्व करेगा जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी इमिडिएटली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे दिस इज ऑनली एन एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम दैट वुड एकोमोडेट ऑल द ड्रग इन द बॉडी इफ द कंसंट्रेशन थ्रू आउट वॉज द सेम इन द प्लाज्मा जितना प्ला जितना टिश्यू फ्लूड का कंसंट्रेशन जितना टिश्यू टी, फ्लूड का कंसंट्रेशन उस ड्रग को लिए हुए है बेसिकली उस पूरे होमोजेनियस कंपार्टमेंट में उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कल टू होता है टोटल ड्रग इन द बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि आपका जो एडमिनिस्टर किया ब्लड में वो कितने डोज दी 1000 मिलीग्राम ड्रग इंजेक्टेड किया आईवी और जो स्टडी स्टेट प्लाज्मा थी वो 50 मिलीग्राम पर लीटर थी तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ टोटल टोटल ड्रग कंसट्रेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसट्रेशन तो यह आपका कितना आ गया ट्वेंटी लीटर सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कई बार ये फॉर्मूला और इस तरीके के एग्जाम्पल से आपको एग्जाम में समझाना होगा तो ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है अगर मैं ओवरऑल पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को कंक्लूड करूं तो बेसिकली बनता है कि डिस्ट्रीब्यूशन उस ड्रग का ज्यादा होगा जिसकी लाइपोफिलिसिटी ज्यादा होगी हमेशा ड्रग फॉर्म में ही अनाव होगी और किसी ड्रग की अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की दो पॉइंट इसमें और हैं कि द इफ वॉल्यूम ऑफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग इज हाई अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का हाई है तो

जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो तो आप खुद सोचिए कि जिस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इट वो ड्रग टिश्यू फ्लूड में ज्यादा है और अगर आप हीमोडायलिसिस करते हैं तो आप टिश्यू फ्लूड को तो चेंज नहीं करते आप तो ब्लड प्लाज्मा को चेंज करते हैं या ब्लड को हम चेंज करते हैं अगर मैं बोलूँ तो तो अगर कोई ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है आपकी ऐसे ड्रग से पॉइजनिंग होती है तो उस ड्रग के ट्रीटमेंट में हम कभी भी वो ड्रग का रिमूवल हीमोडायलिसिस से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेमोडलिस से है तो हम केवल और केवल किसका रिमूवमेंट करेंगे रिसाइकिल करेंगे ब्लड का या ब्लड प्लाज्मा का चूंकि इस पॉइजन के ऐसे पॉइजन की हम बात कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो तो नो डाउट वो टिश्यू फ्लूइड में ज्यादा होगा अब हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन की रीडिस्ट्रीब्यूशन में देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए सपोज करिए ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है किसी, कोई ड्रग है जिसका नेचर हाईली लिपिड सोल्वल पहली बात तो री की प्रॉपर्टी हाईली लिपिड सोल्वल ड्रग में होगी ये, ये फैक्ट तो अगर हाईली लिपिड सोल्वल ड्रग होगी तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका ज्यादा होगा और जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इट मीन टिश्यू फ्लूइड में वो ज्यादा जाएगी तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ ऑर्गन हमारे ऐसे हैं जहां पे हाई ब्लड फ्लो है जैसे कि हम बात करें ब्रेन हार्ट और किडनी की और जबकि कुछ ऐसे ऑर्गन है जो लेस वेस्कुलर है बट मोर वल्की टिश्यूज है लाइक मसल और फैट की तो कोई ड्रग अगर हम लेते हैं और वो हाईली लिपिड सोलबल है तो चूंकि ब्लड फ्लो इन एरिया में ज्यादा था तो सबसे पहले कहां चली जाएंगी ब्रेन हार्ट और किडनी में चली जाएंगी नो डाउट है इसमें लेकिन कुछ समय बाद अब चूंकि ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगी ना ब्लड प्लाज्मा में तो ये फिर ये कहां पे मूव करेंगी टुवर्ड्स द वेस्कुलर लेस वेस्कुलर एंड मोर बल्की टिश्यूज तो होगा क्या इट मीन आर्गन से किधर की तरफ जा रही है लेस आर्गन की तरफ तो अगर वो ड्रग का एक्शन सपोज करिए कोई ड्रग का एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू आ रहा है ब्रेन ब्रेन के थ्रू आ रहा है brain में उसके रिसेप्टर्स हैं या ब्रेन में बायोकेमिकल चेंजेस करके वो ड्रग अपना इफेक्ट देती है और वो ड्रग का नेचर हाईली लिपुट सॉल्व यहां पे तो प्रॉब्लमेटिक ये हो गया कि तुरंत आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन उस ड्रग का इफेक्ट तो आएगा क्योंकि ड्रग ई हाई ब्लड फ्लो की तरफ जाएगी ब्रेन हार्ट और किडनी की तरफ लेकिन कुछ समय बाद उसका इफेक्ट एकदम से टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि अब यहां पे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी फॉल हो जाएगी और वो शिफ्ट होगी किधर टूवर्ड द लेस वेस्कुलर एंड मोर बल्कि टिश्यूज लाइक मसल एंड फैट तो इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ओवरऑल मीन्स हमने क्या समझा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से ड्रग का इफेक्ट क्या हो रहा है कम हो रहा है देखिए अब मैं लाइन पढ़ता हूं तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा

साइट ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग वॉज इन ऑफ द हाईली परफ्यूज ऑर्गन अगर मान लो साइट ऑफ एक्शन से कोई रहा होगा तो रिडि ड्रग फास्टर विल बी इट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ये कई बार जीपैट में पूछा गया है क्योंकि एनास्थेटिक एक्शन जो होता है थियोपेंटाल सोडियम का जो कि अल्ट्रासोल्ट एक्टिंग बारबीचुरट कैटेगरी की ड्रग है ये टर्मिनेट हो जाता है इसका एक्शन इन अ फ्यू मिनट्स विद इन अ फ्यू मिनट्स चूंकि जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसको आपको समझना होगा अब बेसिकली हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की तो देखिए इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि हमारे ब्लड में प्लाज्मा है और प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन है कुछ ड्रग का ये नेचर होता है ड्रग बेसिक प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होंगी और बेसिक ड्रग जो होंगी एसडी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होंगी लाइक like, मैंने एग्जांपल बता रखा था आपको लाइक like, ग्लोबलिन प्लाज्मा प्रोटीन का एग्जांपल है एल्बुमिन है अल्फावन एसिड ग्लाइको प्रोटीन है तो इसमें क्या लिखा हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट को तो छोड़ के जाएगी नहीं क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन में स्टिक रहेगी लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू द वेस्कुलर कंपार्टमेंट बिकॉज प्रोटीन बाउंड ड्रग डज नॉट क्रॉस द प्लाज्मा तो ये आपका एक पॉइंट क्लियर है बाउंड फ्रैक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन ये आपका जीपेट में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्योंकि तो जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड फ्रैक्शन है क्योंकि देखिए कोई ड्रग अपना एक्शन तभी देगी जब वो रिसेप्टर से बाइंड हो और कोई ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन अगर बाइंडिंग ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम किसमें देगी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड रहेगी ज्यादा टाइम तक तो उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा बाउंड फ्रैक्शन एक्शन नहीं देगा लेकिन हाँ एक फर्क पड़ेगा कि उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज्यादा समय बढ़ जाएगा तो हाउ एवर इट इज इन विद द फ्री ड्रग इन द प्लाज्मा एंड डिसोसिएट विन द कंसनट्रेशन ऑफ लेटर इज रिड्यूस ड्यू टू एलिमिनेशन अगर फ्री ड्रग की कंसेंट्रेशन कम होती है ड्यू टू एलिमिनेशन तो जो बाउंड ड्रग है वो धीरे धीरे डिसोसिएट भी होती रहती है डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको इस समझना होगा कि किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग तो होगा लॉन्ग होगा ड्रग कैन बाइंड टू मैनी साइड ऑन द एल्बुमिन मॉलिक्यूल एक ड्रग एल्बुमिन मॉलिक्यूल के कई साइट पे बाइंड हो सकती है कन्वर्सली इसी को हम और क्या कह सकते हैं मोर देन वन ड्रग कैन बाइंड टू द सेम साइट एक ड्रग कई एक से ज्यादा ड्रग एक साइट पे ही बाइंड हो सकती है सो <ँगा> so, ये प्लाज्मा प्रोटीन तो अगर हम देखिए इस तीनों चीज को अगर मैं बोलूं किसी ड्रग का वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो आपकी बात ये क्लियर होगी कि उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी <ँगा> अगर मैं बोलूं किसी ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो उसकी वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कम होगा और अगर किसी ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा और वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ज्यादा देर तक रहेगी और उसका जो बाउंड फ्रैक्शन है वो एक्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो ये आपकी जो तीन कंसेप्ट है बेसिकली इसमें आपको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का कंसेप्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट विद एन एग्जाम्पल और अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला उसका एग्जाम्पल और एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन सी चीजें ड्रग की इन्फ्लुएंस करती हैं इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो नो no डाउट आपका बेहतर कॉन्सेप्ट आगे चल के आप क्रिएट कर पाएंगे थैंक यू वेरी मच